रिलैक्सो फुटवेयर। फुटवेयर इंडस्ट्री का एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ दिखाई देगा फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर, वो 10.5% की दौर से आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले 5 साल के अंदर। लेकिन अब रिलैक्सो जैसे कंपनी की बात करें तो वो जो ग्रोथ है वो उससे भी ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। तो जानेंगे कंपनी का कैपेक्स के बारे में, कंपनी का कर्जे के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है और इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगा तो रिलैक्सो उसमें कैसे सबसे आगे रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर कर्जे की बात करिए तो 2019 में कंपनी के ऊपर जो कर्जा था तो वो था 85 करोड़ के आसपास। ये कंपनी का नेट कर्जा था। साथ ही साथ कंपनी का जो कैश का पोजीशन है वो रिसेंट कंडीशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इवन रिसेंट कंडीशन में कंपनी का जो नेट डेट का सिचुएशन है वो -202 करोड़ का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश अभी भी मौजूद है। रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे तो ये नेगेटिव में पहुँच गया है। रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर कर्जे को लेके कोई भी चिंता करने का बात नहीं है। अभी दूसरे बात, कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कंपनी जो एक्स्ट्रा खर्चा करता है फ्यूचर ग्रोथ को सामने रखते हुए, तो 2019 में कंपनी यहाँ पे 259 करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं, 2020 में 95 करोड़ एंड 2021 में 101 करोड़ का खर्चा कर चुके हैं। देन फर्स्ट हाफ जो 6 महीने के अंदर कंपनी यहाँ पे खर्चा किया है वो है 66 करोड़। हालांकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करते हैं, कि ये पर्टिकुलर जो फुटवेयर सेगमेंट है वो फैशन रिलेटेड काम हो जाता है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर अच्छा खासा पैसा कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपना जो कैपेक्स है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। इवन आप रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पे कंपनी ने 1.5 लाख पेयर पर डे का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर चुके हैं। तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के पास 10 लाख पर डे पेयर का मैन्युफैक्चर कंपनी कर सकते हैं। तो जो मार्केट के अंदर डिमांड को पहचानते हुए, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए रिलैक्सो अपना जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एनालिस्ट का रिसर्च क्या बोलते हैं। अभी आप ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो CAGR 5.5% की दौर से ये ग्रो करता रहेगा फ्यूचर 5 साल के अंदर। लेकिन जब इंडियन फुटवेयर मार्केट की बात आते हैं ये जो ग्रोथ है वो डबल हो जाता है, क्योंकि इंडियन फुटवेयर मार्केट जिस तरह से ग्रो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा मान रहा है कि एनालिस्ट की जो आने वाले 5 साल है उसके अंदर ये जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अभी पर पेयर भी आप देखेंगे तो इंडियन की बात करें तो पर पर्सन यहाँ पे 1.7 पेयर ही यूज़ करते हैं, लेकिन ग्लोबल एवरेज आप कितना दिखाई देता है, 3 पेयर पर पर्सन। तो ग्लोबल एवरेज के मामले में भी इंडिया इसमें बहुत ही नीचे है। अभी डेवलप्ड कंट्री देखेंगे तो वो 6.5 पेयर पर पर्सन है। तो वहाँ से भी कंपेयर करते हैं, इंडिया फ्यूचर में ग्रो करते हैं, ग्लोबल एवरेज भी अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। अगर आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में ग्रो करेगा तो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री भी ग्रो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। साथ ही साथ मैं आपको और एक बता दूं कि रिलैक्सो फुटवेयर का जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो प्रोडक्ट हर एज के लिए परफेक्ट मैच होता है। अभी यंग लोगों के लिए कंपनी ने बहुत सारा ब्रांड खोला है, साथ ही साथ एजेड लोगों के लिए भी, इवन आपका जो नया बॉर्न हो रहा है उन लोगों के लिए भी सेक्टर धीरे धीरे ये कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि जो रिलैक्सो फुटवेयर का अभी ब्रांड बन चुका है फैशन के साथ साथ नेसेसरी भी बन जाता है। अगर आप ग्लोबल फुटवेयर कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे चाइना नंबर 1 पे दिखाई देगा, जो 4,143 मिलियन पेयर्स यूज करते हुए दिखाई देगा। जब इंडिया की बात आते हैं तो ये दूसरे रैंक में आ जाता है, 2019 में USA को पीछे छोड़ते हुए ये दूसरे रैंक में पहुंच चुका है। अगर आप इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री को डिटेल्स में रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा पिछले 2 साल के अंदर इंडियन जो अनऑर्गेनाइज फुटवेयर सेगमेंट है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेगमेंट के ऊपर मूव हो रहा है और रिलैक्सो उसके अंदर एक एग्जांपल की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगातार ग्रो हो रहा है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, जब
मार्केट के अंदर ऐसा शिफ्ट होता है तब बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अपना जो प्राइस रेंज है उसको घटा के वो जो मार्केट कैप्चर का जो प्रोसेस है उसको बहुत सीरियसली ले लेता है। और यहाँ पे रिलैक्सो भी उसी को फॉलो करते हुए आपको दिखाई देगा। तो प्राइस को कम करेंगे तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, मिडिल क्लास पर्सन है इंडिया के अंदर, वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाता है एक ऑर्गेनाइज प्लेयर के अंदर। और इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उससे पता चलता है कि जो फुटवेयर इंपोर्ट है उसके अंदर गिरावट दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रोथ है वो आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ई कॉमर्स मार्केट एवं रिटेल मार्केट भी इसमें बहुत तेजी से हिस्सा ले रहे हैं। और इंडियन फुटवेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर में डिमांड इतना क्यों आएगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है इंडिया के अंदर वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम लगातार ग्रो हो रहे हैं। तो मिडिल क्लास इनकम के अंदर ग्रो होगा तो वो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता है अपने फैशन के ऊपर, तो उस तरह से कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर जो यंग लोग है वो बहुत ज़्यादा है, जो 20 से 30 साल के उम्र के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए रिलैक्सो जैसे कंपनी जो ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, रिलैक्सो जैसे कंपनी जो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। जिस तरह से रिलैक्सो जैसे कंपनी यहाँ पे खर्चा करता है, दूसरा कोई भी ऐसा कंपनी इंडिया के अंदर है नहीं जो इस तरह से अपना खर्चा करते हैं। तो यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी यहाँ पे अच्छा निवेश करते हैं। तो ब्रांड प्रमोटिंग के बारे में यहाँ पे रिलैक्सो नंबर वन दिखाई देता है। अभी रिसेंट कंडीशन में रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो कंपनी यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो एक्सपोर्टेड है ये रिलैक्सो फुटवेयर को ज़्यादा अचीवमेंट क्यों देता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मीडियम रेंज में दिखाई देता है। और साथ ही साथ कंपनी के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स का टच है, 650 से भी ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर फाइनेंशियली हालत देखेंगे तो मार्च 2011 में कंपनी 676 करोड़ का सेल करता था, और वो बढ़ते हुए रिसेंट कंडीशन में 2,359 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो रनिंग ईयर चल रहा है उसके अंदर ये 2,700 तक पहुंचने का इरादा दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर निवेश करना है तो वैल्यूएशन को नज़र में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जस्ट वैल्यूएशन को आपको कंसीडर करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।